वैदिक अग्रवाल. ओके कितने मार्क्स से? 98.8. फ्रॉम विच स्कूल? सेंट मेरीज एकेडमी. ओके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ओके अभी क्या पता चला, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, सिटी टॉपर हो? नहीं अभी कुछ नहीं पता, अभी स्कूल में जितने से सुन रहे हैं उनके कम है. ओके पता लगेगा. ओके अच्छा कैसे ये जो स्कोर किया है, ये कैसे स्कोर किया, व्हाट्स स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बस रेगुलर होना चाहिए स्टडीज में. जो प्लान बनाया है उस पर फोकस करो, और ये नहीं कि पूरे टाइम पढ़ते रहो, एंजॉय भी कर सकते हो. ओके पबजी खेला? हाँ बहुत, वर्ड्स के बीच में पबजी खेला. सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव. फुल एक्टिव लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए. ओके पढ़ाई को क्या कैसे लिमिट कैसे डिसाइड की, कैसे डिसाइड किया? जो तुम्हारा प्लान बनाया तुमने वो पूरा हो गया, सोशल मीडिया करो, उससे स्ट्रेस ही कम होता है. ओके और कितने मतलब पढ़ाई को कैसे कैसे बैलेंस किया, पढ़ाई को, सोशल मीडिया को, पबजी को एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज, कैसे उसको बैलेंस किया? नहीं मैंने वो मेन फोकस तो पढ़ाई है, वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं. वो बैलेंस नहीं, जो मेरा एम मैंने सेट करा था ये डे में ये निपटाना है, उसके बाद पबजी है. Okay. आगे क्या करेंगे, इंटर में क्या करेंगे? आगे मैंने पीसी भी लिया और मेडिकल का एंट्रेंस. क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मेडिकल का एंट्रेंस. मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो? मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं. ओके अगर मतलब मम्मी पापा मेडिकल लाइन में हैं इसीलिए मेडिकल में जाना चाहते हो? मेरा या खुद से इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है. पढ़ाई के लिए कितना कैसे टाइम कैसे डिवाइड किया हुआ था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे नहीं थे मेरे, जो मैंने गोल सेट करा वो पूरा हो गया पढ़ाई. एनी ट्यूशंस, कोचिंग? ट्यूशंस अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो जा सकते हो, कोई जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं है कंपलसरी जाना. कोई भी ऐसे दो या तीन बातें जो आपको लगता है कि मुझे इसने टॉपर बनाया? एक तो फोकस होना चाहिए, आपको स्टडीज इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मार्क्स आए, बस नॉलेज गेन करने के लिए. और दूसरी बात स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए. ओके हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मैं गिटारिस्ट हूँ, मैंने टेंथ में छोड़ दिया, नहीं तो मैं स्कूल बैंड में था पिछले साल और पिछले से पिछले साल. अच्छा ओके मतलब ये इसमें आपने सब्जेक्ट भी लिया हुआ था कोई? सब्जेक्ट म्यूजिक. म्यूजिक वाला सीखा? नहीं, नहीं, नहीं. कैसे शौक म्यूजिक आया? तो मैं 5th क्लास से गिटार बजाता हूँ. ओके वही कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन इस साल के लिए 2018 में छोड़ा था मैंने. एनी रीजन? जस्ट फॉर बोर्ड्स? यस. आगे कंटिन्यू करेंगे? यस. ओके एनी मतलब इसमें कोई एनी पर्टिकुलर कुछ सोचा हुआ, एनी पर्टिकुलर ड्रीम की गिटारिस्ट हैं तो ये भी करना है या ये इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है? नहीं मेन तो मेरा मेडिकल ही रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड मैं कंटिन्यू करूंगा अपना म्यूजिक का पैशन. YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNextLive के कोई भी वीडियो मिस ना करें.